हाय गाइज, वेलकम टू बैक माय व्लॉग चैनल। भाई आज है ना मैं वहाँ जहाँ पे मैं पहले तैयारी करते थे भाई भर्तियों की। ये हमारी जगह है भाई, दिखाऊंगा आपसे। ये रहे, अभी तो बहुत ज़्यादा कबाड़ खड़ा है भाई यहाँ पे, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। हम सफाई रखते थे यहाँ पे, अभी कोई नहीं आता, इसलिए हम बहुत ज़्यादा खड़ा है यहाँ पे कबाड़। आज अभी बजे है शाम के 7, मैं गया हुआ था भाई सड़क पे घूमने के लिए, और जो हमारे पुराने सिंगर साहब थे भाई, वे टहलने के लिए गए हुए थे भाई मेरे से पहले में। अभी मैं मुलाकात होगी रास्ते में उनसे भाई। मैं सारे के सारे ना सिंगर थे, सब अपना अपना गाना रिकॉर्ड करते थे भाई, लिखते भी थे अपने अपने राइटिंग में, और जब उनके सुनते थे ना उनके पास बैठ के भाई, अच्छा लगता था कि हमारे गाँव में भी सिंगर। चांसिन था भाई अगर हमारे गाँव में कोई उठ, लेकिन उनके किसी कारण से सपना नहीं पूरा हो पाई। अभी मैं मिलवा दूंगा आप, और मैं आपसे सॉन्ग भी सुनाएंगे भाई आपसे जो पहले गाते थे भाई। अब मैं जा रहा हूँ मैं उनके पास भाई, खड़े हैं रास्ते में, आपको दिखा दूंगा और मिलवाऊंगा उनसे भाई। ये है वे कलाकार, हमारे गांव के जाने माने सिंगर भाई। भाई अभी हम बैठेंगे यहाँ पे, जब भी सुनाएंगे भाई सॉन्ग। अभी हम बैठ चुके हैं भाई यहाँ पे, हमारे साथ बैठे भाई सिंगर साहब। अभी कुछ ही देर में आपको अपने बारे में बताएंगे भाई, थोड़ा बहुत सुन लेना, और आपको सॉन्ग भी सुनाएंगे भाई। कब से स्टार्ट किया था आपने काम? ये हमने किया था 2008 और 2009 में। हम कई सारे लड़के थे और हमने बड़ी मेहनत से लिखा, अच्छे अच्छे गीत लिखे, और उसके बाद हम गए करनाल के पास में, एक इंद्री गांव है वहाँ पर, लेकिन हमें इतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी और ना ही कोई सपोर्ट। अब चलिए, तो वहाँ पर स्टूडियो वाले ने भी हमारे साथ में थोड़ी गड़बड़ की, अच्छा म्यूजिक नहीं दिया, और जिस कारण हमारे जो शौक थे और जो म्यूजिक था वो कुछ अच्छा नहीं हो पाया। इसके बाद हमने और मेहनत की, हमने सोचा कि हम चलो ऑडियो तो हमारी तैयार होगी, उसके बाद सोचा कि हम चलो वीडियो बना लेते हैं, लेकिन वीडियो भी नहीं बन पाई क्योंकि कुछ घर वालों की सपोर्ट भी इतनी अच्छी नहीं थी, और फिर थोड़ा आपस में भेदभाव होने के कारण हम उसको आगे कर नहीं पाए, और इस तरह हमारा जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। मतलब ये आपके दिमाग में कैसे आया कि हम ये काम करेंगे? हमारे जैसे दिमाग में आया कि हमारे कुछ बड़े जो बुजुर्ग थे वो बनाते थे, और उनके साथ में हमने बैठ के टोली में भजन कीर्तन से शुरू किया। उसके बाद हमने जो नया लिफाफा उस समय एल्बम आई थी जो, उससे हम प्रेरित हुए, हमने सोचा कि क्यों ना हम भी बनाएं ऐसी एक एल्बम। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन किसी कारण वो सब फेल हो गए। इसमें जो आपका ग्रुप था, मैं कितने बंदे थे? मैं हम 6-7 बंदे थे, और सभी अच्छे सिंगर थे, अच्छे लेखक भी थे, और सभी ने अपने अपने गाने लिखे थे बहुत बढ़िया बढ़िया। उस समय हमने जहाँ पर भी अपने गाने सुनाए बहुत पसंद किए गए, और गांव में भी हमने कई जगह प्रोग्राम किए, वहाँ पर भी बहुत अच्छे लाइक मिले। अच्छा, आप एक चीज़ बताओ, ये अपनी राइटिंग थी या और किसी से खरीदते थे? नहीं नहीं, हमने खुद ही लिखते थे गाने, और आज भी लिखते हैं, भजन भी लिखते हैं, कीर्तन भी लिखते हैं, और जैसे रागनी होती है और एल्बम्स वगैरह इस तरह देहाती। ये सिक्का कहाँ थे आपने? हमारे कई सारे बुजुर्ग ऐसे थे जो पहले लिखते थे, मास्टर कुबाड़ी राम जी थे, एक पवन पाल जी थे गुरु जी, तो ये पहले भजन कीर्तन करते थे, उनके साथ में बैठे थे, तो तभी से शौक लगा। फिर अभी क्या इरादा है? इरादा तो यही है कि कब दोबारा से हम शुरू करें, कौन सा वो दिन होगा अच्छा जब हम दोबारा शुरू करेंगे। हम चाहते हैं कि दोबारा से हम इसमें सफल हों, आज भी कोशिश है, पता नहीं कौन सा दिन होगा जब हम सफल होंगे, लेकिन हमारी जो कोशिश है वो आज भी। भाई इन्हें ना अपना टाइम में मेहनत बहुत ज़्यादा करी, लेकिन काम नहीं हो पाया भाई, सक्सेस नहीं हो पाई है इस चीज़ में, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिली। सबसे बड़ी बात तो यह है घर वालों की भाई, घर वाले सबके यही चाहते हैं भाई किस लाइन में पढ़िए क्या आए, इस वजह से भाई आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन अभी कोशिश जारी है इनकी भाई, अभी राइटिंग कर रहे हैं भाई, प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पर बैठ के, ये थोड़ा बहुत आपसे सुनाएंगे भाई। अब सुना दो फिर आज कुछ, जिससे कि आप जिससे गाने थे, और उसमें सबसे जो मुख्य गाना था एक ही रांझे की एक रागनी, अच्छा जो बनाई थी वो काफ़ी पसंद की थी गांव वालों ने। आपकी फेवरेट होगी? हाँ मेरी फेवरेट थी, और मैंने सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबसे पहली रागनी थी मेरी लिखी हुई। अच्छा, हाँ
फिर आप यही सुनाने जाएंगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, कहीं भी सुना देंगे, सुनाने में क्या है। सुना दो फिर। ओ क्यों छोड़ चली हीरे प्यार का बंधन तोड़ के, झूठा था तेरा प्यार हीरे, झूठा था तेरा प्यार। क्यों छोड़ चली हीरे प्यार का बंधन तोड़ के, झूठा था तेरा प्यार हीरे, झूठा था तेरा प्यार। ओ मन सुपने में दिखा तेरा चांद सा मुखड़ा, मेरे दिल में बस गया था तन पान का रुतबा। मैं छोड़ के आ गया राज पाठ करूं प्यार का इकरार, झूठा था तेरा प्यार हीरे, झूठा था तेरा प्यार। क्यों करते हैं मोहब्बत जब निभाने का दिल नहीं रखते, क्यों करते हैं मोहब्बत जब निभाने का दिल नहीं रखते। इस कदर की है मैंने मोहब्बत की सोचने वाले सोच भी नहीं सकते। हद से गुजर गए मोहब्बत में यारो, अरे हद से गुजर गए मोहब्बत में यारो, इसीलिए तो हम अकेले मर भी नहीं सकते। ओ क्यों तोड़ दिया शीशा मेरे प्यार का हिस्सा, के देखा आँखन में तन जोड़िया जो रिश्ता, तन कह यसो की आज हीरे तन करया था क्यों इकरा, झूठा था तेरा प्यार हीरे, झूठा था तेरा प्यार। ये दो कली मैंने सुनाई, ये उस रागनी की। जो भी आपने सुना होगा तो लेकिन अच्छा ही लगा होगा भाई, मज़ा भी आएगा भाई सुन के। तो अभी ऐसी प्रैक्टिस चली हुई है इनकी, ये 2008 के कलाकार है भाई सिंगर, तो अभी तो नहीं है, पता नहीं क्या क्या लेकर है भाई। फिर छोड़ क्यों दिया था फिर ये बीच में? छोड़ने के कई कारण हैं, उसके बाद फिर मैं काम की तलाश में दिल्ली चला गया, और वहाँ पर जाने के बाद फिर सर सब प्रैक्टिस छूट गई, क्योंकि काम धंधे में सुबह 8 बजे जाते थे शाम को 8 बजे जाते थे, तो फिर हो नहीं पाया। उसके बाद फिर दोबारा से कोशिश कर रहे हैं। फिर शादी हो गई? हाँ शादी हो गई, और फिर उसके बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है शादी होने के बाद। हाँ बिल्कुल बढ़ जाती है, और निभानी भी चाहिए भाई। अभी हम एक हमारे सिंगर से भाई एक वजन और सुनना चाहेंगे प्यारा सा। हाँ। सुनाएंगे भाई, आप सभी सुनना भाई, ध्यान से सुनना, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर, कमेंट में जरूर बताना भाई कैसा लगा आपको। हे भगवान राम तेरी माया, कैसी है ना बेरा, ओ पल में हो जा रात चांदनी, दिन में घोरे अंधेरा। हे भगवान राम तेरी माया, कैसी है ना बेरा, पल में हो जा रात चांदनी, दिन में घोरे अंधेरा। ओ अण करणी में सुख मिल जाए, और करणी में जंग जोना पड़े, पिंगला जैसी रानी बन जा, विक्रम ने क्यों रोना पड़े, पाया धन भी खोना पड़े से, पाया धन भी खोना पड़े से, नरसी भगत न बेरा, पल में हो जा रात चांदनी, दिन में घोरे अंधेरा, दिन में घोरे अंधेरा। भाई मैंने तो बहुत अच्छा लगा भाई ये भजन सुन के, लेकिन आपका नहीं पता कैसा लगा हुआ, कमेंट बॉक्स में बताना भाई सॉन्ग अच्छा लगा कि भजन। ओ किसे के हो जा खेत रे धन के, किसे कजम राजाड़ा, किस गुंडे की बने मिठाई, किसका घल जा साड़ा,
किसे कहो जा भाग्यु माड़ा, किसे कहो जा भाग्यु माड़ा, किसे के बंद जा सेरा पल में हो जा रात चांदनी, दिन में घोरे अंधेरा। भाई कैसा लगा आपको ये सॉन्ग? बहुत अच्छा लगा होगा भाई ये भजन आपको, तो वीडियो को शेयर जरूर करना भाई इसलिए।